दे रहे हो, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हो या थिएट्रिकल रिलीजेस हो, चोर निकल के भागा, भेड़िया हो, सास बहू और फ्लेमिंगो, एंड नाउ जरा हटके जरा बचके, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है? जरा हटके सारा बचके से सबसे ज्यादा खुशी हो ये थिएटर में चले। इट्स वेरी पर्सनल। सारा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक के लिए कौन सी मिली है इस फिल्म को लेकर? कहीं पढ़ा था सारा अली खान इज बैक। आई डोंट नो व्हाई वो सुन के बहुत अच्छा लगा क्योंकि याद आ गई थी। बहुत बहुत ज्यादा याद आ गई थी। और हाँ मम्मी और भाई का रिएक्शन पर्सनल था बट दिस वाज नॉट पर्सनल। आई थिंक इब्राहिम का रिएक्शन। इब्राहिम तो द वे ही इज वॉक्ड आउट, इब्राहिम ऐसा ज्यादा चिपकता पकता नहीं है। विक्की ने मुझे भेजा एक्चुअली कहीं मीडिया में हमारी वीडियो आ गई थी यार, एक फोटो आप लोगों ने ली थी दो और वो इतनी प्यारी फोटो थी यार। मतलब मेरे भाई की बॉडी लैंग्वेज में गर्व शायद मैंने बहुत समय बाद देखा है, वरना मुझे बड़ा अच्छा लगा था। दूर इब्राहिम दूर था। अरे हीरोइन वहां पे उधर जा। Internet with your sexy dance moves, especially you know, you're trending. Finally, and comments me are saying that which god did Katrina Kaif pray to? ऐसे comments आ रहे हैं। You are the new चिकनी चमेला। इस dance पर उनका कोई reaction आया? उन्होंने ये dance देखा है, उनका क्या reaction था? अरे उन्होंने इनको choreograph किया। नहीं नहीं उन्होंने देखा और उनको भी अच्छा लगा। लक्ष्मण जी क्या आप एग्री करते हैं कि एक फिल्म के हिट होने में संगीत की बहुत बड़ी भूमिका? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। हिंदी सिनेमा बगैर संगीत के कुछ है नहीं। मतलब जिस तरह के सिनेमा हम बनाते हैं विदाउट म्यूजिक कुछ है नहीं उसमें। मतलब हमारी दुनिया का सिनेमा अलग है और हिंदुस्तान का सिनेमा सबसे अलग इसलिए है क्योंकि हमारा म्यूजिकल सिनेमा रहता है। तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस फिल्म ने बड़ा महत्व दिया आपने म्यूजिक। जी 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 बिल्कुल। हर पिक्चर में म्यूजिक एक्चुअली अच्छा था। यार यार हाय विकी, हाय प्रियंका देसाई, हाय प्रियंका, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द होल टीम। विकी, यू नो यू स्पोक अबाउट द होल स्केप्टिसिज्म व्हिच वाज बिफोर द फिल्म रिलीज एंड इवन लक्ष्मण स्पोक अबाउट इट, बट पर्सनली एज एन एक्टर वर यू टोल्ड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स दैट टू बिग फिल्म्स, यू नो योर लास्ट वाज ऑन ओटीटी गोविंदा नाम मेरा, यू नो यू डन पूरी द नंबर्स दैट इट हैज डन, you know abhi big films ka zamana aa gaya hai, so as actor you know push yourself for it so that you're positioned that way, because of course this is now a slap to all the skepticism and I think a lot of us also had that, I would definitely say, but for you as an actor were you told that by people? I think we were going through a time where a lot of things were being told depending on each film that came out. कब कुछ कुछ चलती थी तो कहते थे नहीं ऐसा होना चाहिए, फिर कुछ दूसरी चलती थी फिर कहते नहीं ऐसा होना चाहिए। तो आई थिंक हर तरीके के ये बातचीत होती थी कि नहीं यार ऐसी कोई सिनेमा चूज करो या वैसा कुछ सिनेमा चूज करो, बट इवेंचुअली इतने कैलकुलेटिव माइंड से कभी होता नहीं है, वो दिल से ही कनेक्ट होता है। जैसे जरा हटके जरा बचके ऑल्सो वॉज नरेटेड टू अस एट अ टाइम वेयर इट वॉज नॉट द मोस्ट वाइजेस्ट डिसीजन की अच्छा ये स्केल की फिल्म करो या ऐसी फिल्म करो, इसका सैचुरेशन आया ये वो, बहुत सारा एक बहुत ना वो साइंटिफिक अप्रोच भी होता है, बट व्हेन इट कम्स टू आर्ट्स आई थिंक यू हैव टू लिसन टू योर हार्ट, यू हैव टू गो बाय द कन्विक्शन ऑफ योर डायरेक्टर, द विजन ऑफ योर प्रोड्यूसर कि ये क्या कहानी कहना चाह रही है, और आप अपना काम फिर सच्चे दिल से कीजिए। तो ऑफकोर्स टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑल दीज चैटर्स हैव बीन गोइंग एंड दे आर स्टिल गोइंग ऑन एंड दे विल कीप चेंजिंग विद एवरी फिल्म दैट वर्क्स एंड दैट डजंट वर्क। But I think as an actor, when you end up choosing a film, it's a very, very personal process as to how it affects you personally as an audience first. So, yeah. Guys, it's Rishil here from Big Crap, and congratulations on the success of Zara Hatke Zara Bachke. Yeah, so before before asking my question, I just wanted to appeal on behalf of the media that the event began a bit late, right? I think around 2 hours late, and I would just appreciate if actors adhere to the timings they've given, because we really appreciate your work and we appreciate that you all are spreading so many smiles in everyone's. Sir, I'll take full responsibility because meri raat bhar shoot thi jo abhi ek ghante pehle khatam hui hai, to wo bina soye aaya hu, par wo shoot ki wajah se main late ho gaya aur us wajah se everybody got late and you had to wait.
But so sorry, it was only because of a shoot that couldn't get finished in the morning. No, absolutely. I just wanted to like say on behalf of the media. And thank now you. I'll just ask my question first. Haji. So Lakshman sir, like you have given three back. Laksman sir, you have given three back-to-back hits. Like first Lukaku Chupi and then of course Mimi, which is like my favorite out of the three. And then Zara Hatke Zara Bachke. Which one is more personal to you in terms of success? Which one do you grade higher, like out of the three? And the second question is that do you want to get out of the small city like zone and get to a different genre or something? Like. पहला क्या था? हाँ. Actually, हर एक film close रही है, मतलब काफी करीब रही है. जब तक दूसरी की शुरुआत ना करो तब तक पहली क्लोज ही होती है. जैसे दूसरी की शुरुआत हो जाती है वो क्लोज होने लगती है. तो अभी इस वक्त जरा हटके जरा बचके यस डेफिनेटली काफी क्लोज है, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि वो कभी मई हूँ, क्योंकि जिस तरह की कंजूसी या जिस तरह का एक लोअर मिडिल क्लास लाइफ दिखाया गया उसमें, मतलब लोअर मिडिल क्लास की जो वैल्यूज है उसको जिस तरह से हमने समझा है फिल्म में, और जॉइंट फैमिली की जो वैल्यूज है वो जिस तरह से हमने समझा है, तो अभी इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि चल भी रही है. और नहीं चलती तो शायद थोड़ी दूर हो जाती नहीं, बट या इस वक्त काफ़ी करीब है, क्योंकि अच्छी बात क्या है ना, जो जिनके लिए फिल्म बनाई थी, जिस ऑडियंस के लिए, वो फिल्म को सर के ऊपर उठा ले रहे. और कई लोगों ने फिल्म को क्रिटिसाइज किया बहुत गंदे वर्ड्स में, कुछ मुझे समझ में नहीं आते थे, इंग्लिश भारी वर्ड्स में अपने दोस्तों को ज्यादा तारीफ की है क्या, उन्हें गाली दी है. तो समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को थोड़ा जू और बांद्रा से बाहर निकल के ना, करी रोड नाम का एक स्टेशन भी है ना, देवनार भी है, मानखुर्द भी है, चेंबूर भी है, वहां जाके देखो यहाँ पे यही सिनेमा चलता है, लोग रोज जीते हैं. तो बिफोर राइटिंग सम बैड वर्ड्स अबाउट द फिल्म, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अपने जरा हिंदुस्तान घूमो, जो ऑडियंस है जो जनता है उनको समझो कि वो क्या देखना चाहते हैं. क्योंकि अभी देखो क्या हो गया, आप बोलते हो फिल्म को नहीं देखो, वो ज्यादा देख रहे. दैट मीन्स एज अ व्यूअर एज अ क्रिटिक्स इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, बट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, यू आर जस्ट पुटिंग योर ओन पर्सपेक्टिव एंड ट्राइंग टू स्पॉइल दैट फिल्म. दैट इज नॉट राइट. And you shouldn't do that. And that is the reason why we are going through all this, the Bollywood. Because when South ki koi film aati hai, chote budget ki film, jis hero ko hum jante bhi nahi, wahan pe wo superstar hota hai, hamare liye newcomer hota hai. Wah, 5-star, 4-star, achhi film hoti hai. Bhai, humko bhi zarurat hai. We have to get our industry right. So I think we should. मतलब हमें हमारी इंडस्ट्री को कभी कभी लगता है कि जो हालत है वो सिर्फ हमारी वजह से है, बिकॉज यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि किसी और की फिल्म चले. क्यों नहीं चले, मतलब मैं देख रहा था सारे वीडियोस और वो चार चार लोगों के ग्रुप बना बैठ के यूट्यूब पे कमेंट्स कर रहे हैं, ये नहीं चलेगी, ये 2 लाख में 50 लाख में पैक है. भाई क्यों, इसका मतलब आप रिव्यूज लिखते हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपकी जनता क्या देखना चाहती है. दैट मीन्स आप में और आपकी जनता में, आपके ऑडियंस में बहुत डिस्टेंस है, वो क्या आप कम करो. मुझे लगता है काफी फायदेमंद होता सबके लिए. थैंक यू. हाय विकी, सो विकी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो इन लव पर स्क्वायर फुट वी सॉ यू फेकिंग अ मैरिज एक्चुअली टू गेट अ हाउस, एंड हियर यू आर फेकिंग अ डिवोर्स टू हैव अ हाउस ऑफ योर ओन. इन रियल लाइफ मुझे जब तक घर मिलेगा नहीं मैं पिक्चरों में ढूंढता रहूंगा. बट रियल लाइफ में तो गॉड हैज बीन रियली काइंड. बट या आई डोंट नो इफ आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन और व्हाट द क्वेश्चन वाज. हेलो सफलता आप क्या मायने रखती है? फिर से जनता को खुश करने का मौका, मेरे लिए सफलता वो होती है. और जस्ट आई थिंक दैट्स अबाउट इट. आई थिंक द आइडिया इज टू टेक योर वर्क सीरियसली एंड नॉट योरसेल्फ वेरी सीरियसली. दैट्स इट.
बना रहे सर इसके बाद Hi, I'm Tanmay from Peeping Moon. We've been seeing you dancing to the song Obsessed. तो बाकी ऑपरेट आपके फैंस और ऑडियंस के सामने आप कर रहे हैं तो हमने क्या कर दी कि मैं एक बात बताऊं मैंने अगर एक और बार उस गाने पे कर दिया तो मैं इंटरनेट पे बैन हो जाऊंगा हमारे लिए एक बार तो चलता है वो मैं लाइव वो हम बाद में कर ले बाहर कर लेंगे उसको रिकॉर्ड मत करना क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है पहले आप ट्रेंड करते हो फिर आप बहुत ट्रेंड करते हो फिर बहुत ट्रेंड करते हो फिर गाली पड़ती है कि तू इतना क्यों ट्रेंड कर रहा है ये पका रहा है अब नीचे आ जा तो ना अब मैं वहां से हूँ कि अब ये नीचे खींचा जाऊंगा तो अभी मैं सच में बैन हो जाऊंगा मेरा अलग से बॉयकॉट चलेगा उसकी वजह से बॉयकॉट तो ना तो आई प्रोमिस यू आउटसाइड आप मैं पॉपकॉर्न हूँ आपको मैं आपके लिए स्पेशली डांस करूंगा हम जब भी कुछ काम करते हैं चाहे वो एक्टिंग हो या कोई और काम हमेशा हम चाहते हैं कि अप्रिशिएशन मिले वैलिडेशन मिले मैं जानना चाहूंगा बतौर एक्टर जैसे सारा आपने बताया कि फिल्म देखते वक्त मम्मी और भाई रो रहे थे घर पे घर के अलावा भी कहीं आप लोग वो वैलिडेशन सीक करते हैं कहीं वो एप्रिशिएशन सीख करते हैं किसी से कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो जिससे आप लोग चाहते हैं कि वो ऑनेस्टली रिव्यू करे आप लोग जो कर रहे हैं या तारीफ करे या एप्रिशिएशन मिले ऐसा कौन सा शख्स है और इस फिल्म को लेकर या किसी और फिल्म को लेकर कभी वो वैलिडेशन और एप्रिशिएशन मिला हो जिसे शेयर करना चाहेंगे आप लोग सर मेरे लिए हर फिल्म की जर्नी बहुत अलग होती है और ये मैंने जरा हटके जरा बचके से जाना है बिकॉज इससे पहले ना मुझे कभी थर्सडे रात को नर्वसनेस नहीं होती थी इससे पहले मुझे इस बार थी और नर्वसनेस से ज़्यादा क्यूरियोसिटी बहुत थी कि कल क्या होगा लोग आएंगे नहीं आएंगे कितने लोग आएंगे अगर आएंगे तो उनको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा तो बहुत सारे सवाल थे एंड आई रियली कुडंट स्लीप दैट थर्सडे नाइट और ये मेरे साथ पहली बार हुआ है सो आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ द फेज वी आर इन जहाँ पे थिएट्रिकल का थोड़ा सा एक ये है कि लोग थिएटर में क्या देखना चाहते हैं क्या नहीं देखना चाहते हैं वाला जो सवाल चल रहा है जिसका जवाब हम सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो उस चक्कर में इस बार वैलिडेशन की बहुत भूख थी वो लोगों से थी कि लोग आए देखें अगर जब कोई मिलिट्री फिल्म होती है जैसे उरी थी तो मेरा सबसे ज़्यादा भूख वैलिडेशन ये थी कि आर्मी वाले कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे बिकॉज जब उनसे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ यार यू डिड अ गुड जॉब तो मैं मुझे बहुत वो एक तसल्ली मिली थी तो आई थिंक विद एवरी फिल्म देयर इज अ डिफरेंट दिस थिंग ऑब्वियसली जो सच्चाई से आपको आपकी फैमिली बोल देती है कि इसमें ठीक था या इसमें नहीं था वो तो एक अलग है ही कि जब फैमिली बोल देती है कि हाँ यार इसमें ठीक था आपको पता है कि सच में कहीं ना कहीं ये करेक्ट नोट हिट हो ही गया है तो वो वैलिडेशन तो परमानेंट ही है जो आपको हमेशा चाहिए होती है बिकॉज दे आर योर क्लोजेस्ट एंड योर हार्शेस्ट क्रिटिक बट अदरवाइज फॉर मी पर्सनली इट डिफर्स इन एवरी फिल्म According to the situation. There is a question. Sorry to cut you off, but one last question. We are taking one last question. Yeah, there is. Dinesh ji, मेरा सवाल आपसे ये है. आपके production house को लेकर है कि आपके production house में हमेशा बहुत ordinary subjects को extraordinary बनाया है. मैं सिर्फ इनकी और या अभी की बात नहीं कर रही हूँ. मुझे अच्छे से याद है कि जब आप